स्टार्ट करने से पहले एक एक जो मेरे पास कॉमन इस समय क्वेश्चन आ रहा है सर नहीं हुआ तो, नहीं हुआ हुआ तो तो सिलेक्शन मैंने कल भी बोला था मैं आज भी बोल रहा हूं यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ और अच्छा होगा समझ में आ गया इसको लेके आप पैनिक मत हो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो आप इस बात को समझो देखो सिलेक्ट होना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उस दिन आपका दिमाग अच्छे से चल रहा हो उस दिन जो है आपका लक अच्छे से चल रहा हो ठीक है उस दिन जो है जो आप पढ़ रहे हो वो आपको तुरंत आप सब कुछ आपका जब यदि बिल्कुल प्रॉपर उस पर होता है तो सिलेक्शन हो जाता है तो इसलिए इस बात को आप समझना कि सिलेक्ट होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है क्लियर है उसमें से एक भी चीज यदि गड़बड़ हो गई तो जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो तो इसलिए मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा चिल होके पढ़ाई करो चिल होके पढ़ाई करो पंद्रह से बीस मिनट आधा घंटे जो है मस्ती के लिए निकालो और मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ऐसे बच्चे भी मैसेजेस कर रहे हैं जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स चल रहे हैं 650 प्लस वो चल रहे हैं उसके बावजूद वो मुझसे बोल रहे हैं कि सर यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा होगा इस बात को आप समझ लो बस इतना आप ट्रस्ट रखो क्लियर है और इसको उल्टा करके देखो अब जब भी आपके दिमाग में आए कि सिलेक्शन ना हो तो तो आप उसको उल्टा कर दो और थोड़ी देर सोचो यार सिलेक्ट हो गए तो सिलेक्ट हो गए तो बात समझ में आ गया ऐसा आप सोचना शुरू करो अपने थॉट्स के साथ में खेलना सीखो जब तुम्हारा थॉट्स तुमको डिप्रेशन में डाले तुम उसको मस्ती में लेकर जाओ उसको बोलो इट्स सो so फनी मान लो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कुछ बोले तुम्हारे रिलेटिव कुछ बोले उनको सीधे बोलो इट्स सो फनी दो तीन बार बोल दो इट्स सो फनी समझ में आ गया क्या बोल दोगे इट्स सो फनी और मैंने आपको क्या बोला नहीं तो सबसे बढ़िया है गांधी जी गांधी जी को आप विश्वास करना गांधी जी के बारे में यदि आप पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत बड़े महात्मा थे आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको उतना ज्यादा उनके बारे में पता चलेगा कि वो एक्चुअल में बहुत बड़े महात्मा थे आप खुद सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग उनको सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग उनको इतना ज्यादा उनको पिता मानते थे सबसे पहले उनको राष्ट्रपिता उन्हीं ने बोला था समझ में आ गया तो बहुत बड़े थे जब उन्होंने बोला बुरा मत सुनो मैं तो बोल रहा हूं भी कुछ मत सुनो पढ़ने के अलावा समझ में आ गया बुरा मत देखो पढ़ने के अलावा कुछ मत देखो ठीक है बुरा मत बोलो पढ़ने के अलावा कुछ मत बोलो सब आपका काम चल जाएगा